What's up everyone, what's going on? I hope that you guys are doing well. This is AR and welcome to another video. In this video we'll be talking about that how accounting helps you in life. यानी कि जो बच्चे जब accounts पढ़ रहे होते हैं, भले basic level पे ही पढ़ लो, तो वो ये सोचते हैं कि यार ये हमें real जिंदगी में कहाँ काम आएगा, apart from the job, apart from the business life, but ये हमारे personal जिंदगी में कैसे काम आएगा. तो चलिए let's talk about this. So I thought that why should not we talk about this, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को confusion होती है, और भले बच्चों को confusion ना भी हो, और मैं ऐसे reminder अगर इस वीडियो के ज़रिए आपके लिए बन रहा हूँ, यानी कि अगर आपको पता भी हो ये बात लेकिन आपको रिमाइंड कर जाऊँ तो भी मसला नहीं होगा. तो why do we study accounts और how does it help in our life? तो ये जो assets, liabilities और expenses का जो concept है, ये real ज़िंदगी में किस तरह काम आता है. सबसे पहले तो जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ते हैं उन्हें पता होता है कि एसेट्स क्या होते हैं, उन्हें पता होता है कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, उन्हें पता होता है कि एक्सपेंसेस क्या होता है. पता तो सबको भी होता है कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट पता होता है, उनको प्रॉपर पता होता है कि इनको किस तरह मिनिमाइज़ करना है, इनको किस तरह मैक्सिमाइज़ करना है, इनको किस तरह कंट्रोल रखना है. इफ़ यू टॉक अबाउट लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? उधार, जो आपको उधार पे करना होता है, सही है ना. तो जो अकाउंट्स के बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि यार लाइबिलिटीज़ बिज़नेस के लिए बहुत बुरी चीज़ है, यानी कि जितनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ होगी यानी तो उतनी ज़्यादा आपको उधार पे करना होगा. तो सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट, इफ़ वी रिलेट दिस टू आवर पर्सनल लाइव्स, तो भाई जितने ज़्यादा आपके ऊपर उधार होंगे उतना ही आपको देना होगा ना. आप उधार मतलब कोई किसी भी सेंस में हो सकता है, लोग कर्ज़ा लेते हैं, लोग इंश्योरेंस लेते हैं, लोग फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी ख़रीदने के लिए कर्ज़ा ले लेते हैं बैंक से, लोग बैंक लोन ले लेते हैं, लोग अपने दोस्त से उधार ले लेते हैं. तो भाई या कुछ अगर हम लोग सिंपली दुकान पे भी जाते हैं बोलते हैं यार उधार कर ले यार, चल अभी पुराना उधार बाकी नए पूरे मंथ का एक साथ उधार ले लेना. तो भाई आप जितना ज़्यादा उधार लोगे उतना ज़्यादा आपको पे भी तो करना है, तो अपनी लाइबिलिटीज़ बढ़ा क्यों रहे हो, बल्कि इनको मिनिमाइज़ करो. और ये क्यों मिनिमाइज़ करो, जाहिर सी बात है जब आपका जो पैसा कहीं से भी आएगा, इनकम कहीं से भी आएगी, तो आधे से ज़्यादा पैसा तो आपकी लाइबिलिटीज़ में ही चले जाएगा, लाइबिलिटीज़ को पे करने में चला जाएगा. तो बचेगा क्या बेटा, इनकम का घंटा बचेगा आपका. तो इसीलिए जो बच्चे पढ़ते हैं अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स तो ऑब्वियसली बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ चंद कुछ पॉइंट्स उठा के बात कर रहा हूँ कि रियल ज़िंदगी में किस तरह आप इसको काम ला सकते हो. तो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एसेट्स, कि भाई जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे उतना ही बिज़नेस के लिए अच्छा होगा. आप एसेट्स क्या होते हैं, मैं तो एसेट्स को यार एक अलग नज़रिए से देखता हूँ. मैं एसेट्स को मानता हूँ कि वो असासे, वो चीज़ें जो आपको पैसा बना के दें सिंपली. अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपको रेंट की सूरत में आपको इनकम दे रही है, वो आपकी कोई गाड़ी हो सकती है, वो आप गाड़ी एसेट है, उसकी मेंटेनेंस सब अलग बात है, लेकिन वो आपको पैसा भी तो बना के दे रही है, इनकम आप उसको रेंट पे दे सकते हो. आप उसके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ज़्यादा बड़ी कोई गाड़ी है तो आप उसको वैन के लिए दे सकते हो, या तो कुछ भी, ठीक है. और भी एसेट्स हमारे हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा मोबाइल भी एसेट ही हो सकता है, मैंने इसको ख़रीदा है ताकि मैं इससे पैसा बनाऊँ. अब वो कैसे बनाऊँ ये तो अब हर किसी की अपनी क्रिएटिविटी के लेवल का अलग ही क्या कहते हैं सीन होता है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब ये वीडियोस के ज़रिए में हो सकते हैं मैं पैसा बनाऊँ, मैं इसके ऊपर कोई बिज़नेस शुरू कर दूँ, ऑनलाइन बिज़नेस, मैं इसके ज़रिए कोई वीडियोस ऐसे बनाऊँ, पिक्चर्स खींचूँ, या कुछ भी हो सकता है. मैं इसके ऊपर अपना पूरा बिज़नेस हैंडल करूँ, मैं इसके ऊपर अपनी क्या कहते हैं अपनी इसके अंदर अकाउंटिंग की जो भी चीज़ें होती हैं मैं इसके ऊपर अपनी जॉब कर सकता हूँ. इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ ऐप्स. तो बताने का मकसद है जो भी चीज़ आपको पैसा बना के दे वो आपके एसेट्स होते हैं मेरे नज़रिए से. ऑब्वियसली अकाउंट्स में या किसी और बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन मैं तो अब जब ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि एसेट्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए बिज़नेस के लिए, तो ताकि उसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उसके लिए पॉजिटिव एक क्या कहते हैं थिंग होती है कि हाँ भी बिज़नेस के पास ज़्यादा एसेट्स हैं. अब वो एक अलग बात है, बहुत ही ज़्यादा हो तो वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे उतनी आपके लिए अच्छी बात होती है. तो अब आपके पास ये रियल ज़िंदगी में किस तरह काम आते हैं, कि भाई मैं जब भी कोई भी जगह पे कोई भी चीज़ ख़रीदूँ तो मैं उस चीज़ को पहले एक नज़रिए से देख लूँ कि यार क्या ये मुझे पैसे बना के देगा, क्या ये चीज़ मुझे कोई पैसे बना के देगी. मैं एक गाड़ी ख़रीद रहा हूँ, मैं 30 लाख रुपये की गाड़ी ख़रीदूँ, इससे मुझे कितनी इनकम होगी, नहीं होगी कोई, मैं तो अपनी फैमिली के लिए यूज़ करूँगा, उल्टा मेरा फ्यूल मेंटेनेंस में पैसे जाएगा. तो यार इससे अच्छा मैं कोई 10 लाख की कोई ऐसी गाड़ी ख़रीद लेता हूँ जो रेंट पर दे दूँ, बाकी 20 लाख रुपये की अपनी फैमिली के लिए गाड़ी ख़रीद लेता हूँ. तो ये बेसिकली अकाउंट जो होते हैं ना आपके आपका अंदर का इन्वेस्टर जगा देता है कि यार मुझे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए,
जब मैं अपना ये जो पैसा है, जो अपना मनी है, ये जो मेरा एक कारामद चीज़ है, इसको मैं या तो ऐसे ही लुटा दूँ या तो मैं इससे और अपनी इनकम स्ट्रीम जनरेट करूँ। तो इनकम स्ट्रीम जनरेट करने के तो बहुत तरीके हैं, इट्स अनदर टॉपिक, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। बट अभी हम लोग अब बात करें अकाउंट से, तो एसेट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, आपके पास पैसा बना के देंगे। लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं अपने रिटायरमेंट का पैसा, बोलते हैं यार मैं कहाँ करूँ, बैंक में रखवा दूँ, सेविंग अकाउंट में। वाई यार, आप अकाउंट प्रॉपर्टी खरीदो, आप उसको इन्वेस्ट करो, आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करो, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, आप एसेट्स खरीदो ताकि वो आपके लिए पैसा बनाए, अपने पैसे से पैसे बनाना सीखें। ये भी बहुत अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी घंटों बात हो सकती है कि अपने पैसों से किस तरह पैसे बनाया जा सकता है, हाउ टू जनरेट इनकम फ्रॉम योर मनी, तो वो एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का तो इसी ने। अब जब एक्सपेंसेस के ऊपर बात आती है, तो एक कॉमन आदमी क्या होता है यार, वो उसकी एक सैलरी होती है, पैसा आता है, खर्चों में निकलता है, ख़त्म बात, ये साइकिल चलता रहता है, पैसा आएगा, खर्चों में निकलेगा, बचेगा, चले जाएगा, पैसा आएगा, खर्चों में निकलेगा, बचेगा, चले जाएगा, साइकिल कॉमन आदमी का चलता रहता है। एक जो बच्चा जो अकाउंट्स पढ़ के आता है, जिसके अंदर का इन्वेस्टर जगा हुआ होता है, वो ये बात अपने जहन में रखता है कि यार मुझे अपने एक्सपेंसेस मिनिमाइज़ करने, मुझे अपने एक्सपेंसेस कम से कम करने। क्यों? मैं अपने एक्सपेंसेस कम से कम रखूँगा तो मेरा जो इनकम का जो एक मेजर चंक है वो बच जाएगा, और फिर मैं उससे जो मेरे पैसे का जो आपकी इनकम आती है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ आ रहे हैं आपकी इनकम, उसमें से अगर मेरे पहले 60 रुपीज़ एक्सपेंसेस में चले जाते थे, और वो कुछ भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपके फैमिली रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ भी, तो मैं उनको किस तरह मिनिमाइज़ करूँ। अब मैं मिनिमाइज़ करते करते अपनी नॉलेज के ज़रिए मिनिमाइज़ करते करते जो भी मेरे तरीके थे, मैं उनको लेकर आ गया 40 रुपीज़, यानी कि पहले 100 रुपीज़ में से 60 रुपीज़ एक्सपेंसेस में जाते थे, अब सिर्फ 40 रुपीज़ जाएंगे, तो वो जो 20 रुपये एक्स्ट्रा मेरे पास बच रहे हैं, ठीक है, यानी कि टोटल मेरे पास 60 रुपीज़ बच रहे हैं इनकम में से, अब मैं उनको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उसमें से और इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकता हूँ ताकि मेरे पास पैसे आएँ। तो जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो सिर्फ आप अपनी कॉर्पोरेट ड्राइव में ही, कॉर्पोरेट लाइफ में ही आप अच्छा नहीं करते, बल्कि आप अपनी रियल ज़िंदगी में भी अच्छा करने लगते हो। आप वो बोलते हैं ना कि मेमन जो होता है वो अपनी हर ज़िंदगी में अकाउंट्स हर जगह अप्लाई कर रहा होता है, वो हर जगह अपने एज अ इन्वेस्टर सोच रहा होता है। जब भी हम बोलते हैं ना कि एक मशहूर है मिथ है, आई एम नॉट सेइंग कि मेमन कंजूस होते हैं, आई एम नॉट सेइंग, एक मिथ है जो हमारे इर्द गिर्द घूमती है, वो कंजूस नहीं होता, वो बेसिकली प्रॉपर तरीके से सोच रहे होते हैं कि यार मैं फालतू का पैसा क्यों इन्वेस्ट करूँ, फालतू का पैसा क्यों ज़ाया करूँ, बजाय इसके कि मैं इन्वेस्ट कर दूँ वो पैसा। तो इसलिए आपको जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो ना, फिर तो मैंने ऊपर से सिर्फ चंद चंद बातें की हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसिस बच्चों बच्चों वाली, जब आप इन डेप्थ, जब आप पूरे डीप नॉलेज के साथ पढ़ते हो ना, लॉजिक के साथ अकाउंट्स, तो आपका लेवल ही अलग हो जाता है, आपका सीन ही अलग होता है। तो इसलिए बेटा अकाउंट्स जब आप पढ़ लो ना, अभी कि मैं मार्क्स के लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे ये बस ग्रेड्स अच्छा आ जाए, तो बेटा अगर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल दिल से पढ़ो, लॉजिक के साथ पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि वो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में आसानी नहीं करे बल्कि रियल ज़िंदगी में भी काम आए। तो अभी तो मैंने कोई बात नहीं की है, आई डोंट नो व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बट मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे कुछ बात करूँ, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक से रिलेटेड बात कर लूँ कि यार अकाउंट्स रियल ज़िंदगी में कहाँ काम आती है। बिकॉज मैनी पीपल थिंक कि बच्चे, क्योंकि जो सिर्फ ग्रेड्स के लिए पढ़ रहे होते हैं, जो सिर्फ परसेंटेज के लिए पढ़ रहे होते हैं, जो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो उनको बताने का मकसद है आप पढ़ो तो दिल से पढ़ो ताकि आपकी रियल ज़िंदगी में भी काम आए। तो यह आशा के जरिए रखते हैं, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।